हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, बिल्डिंग ब्रिक्स फॉर द फ्यूचर। अब ये क्या है, ब्रिक्स रिसेंटली एक्सपेंड हुआ था आपका। अब देखते हैं हम लोग क्या है। इन अगस्त, सिक्स न्यू मेंबर्स वर इंडक्टेड इनटू ब्रिक्स ग्रुपिंग इन साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका में हुआ था मीटिंग इनका, वहाँ पे 6 नए मेंबर्स को वापस से ब्रिक्स में, वापस से क्या, 6 न्यू मेंबर्स को ब्रिक्स में ऐड किया गया था। वाइल मैनी बिलीव दैट दिस मीटिंग डिड नॉट हैव प्रोडक्टिव रिजल्ट्स, वी नीड टू लुक एट ब्रिक्स फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ हाउ इट हैज इवॉल्व रेदर देन द रिजल्ट्स ऑफ वन मीटिंग। और देखिए, पहला इकोनॉमिक कंपल्शन क्या है। फर्स्ट, इसमें भी अब फर्स्ट पॉइंट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द ब्रिक्स इमर्जेस आउट ऑफ एन इकोनॉमिक कंपल्शन। ठीक है, इकोनॉमिक कंपल्शन से ब्रिक्स आपका बना था। इट डज नॉट प्रोवाइड मिलिट्री और सिक्योरिटी सपोर्ट टू वेरियस कंट्रीज। अभी यहाँ पे मिलिट्री सिक्योरिटी सपोर्ट नहीं है। इज नॉट इन्वॉल्व इन पुलिसिंग ऑफ नेशंस। ठीक है, ये भी नहीं है। एंड डज नॉट प्रोवाइड पीस कीपर, जैसे आपके फोर्स है पीस कीपर, वो ये भी नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कंपेयर टू दिस से नाटो, अब उससे कंपेयर कर रहे हैं नाटो से। यूरोपियन एलाइज एंड कनाडा हैव इन्वेस्टेड एन एक्स्ट्रा $350 बिलियन सिंस 2014 विद 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग। द जीडीपी ऑफ ब्रिक्स इज नाउ 36% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड द पॉपुलेशन ऑफ इट्स मेंबर विल बी 47% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बाय 2050। देयर फॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक एट द लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज दैट दिस ग्रुप प्रेजेंट। मोर मेंबर कुड बी इंडक्टेड विच मीन्स दैट ब्रिक्स कुड पोज अ सीरियस चैलेंज टू डोमिनेंस इन द G7 कंप्राइजिंग कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड द यूएस। तो आप देखिए, यहाँ पे G7 में, यहाँ पे G7 कंट्रीज बता दिए गए हैं, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। अगर मैं ये सारे कंट्रीज बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो वो सारे आपको अपने आप मैप में आने चाहिए। ओके, यूएस यहाँ पर है, यूके उसके इधर में है, और आप देखिए यूके के इधर में आपके जर्मनी है, फिर उसके नीचे यहाँ पे फ्रांस है, फिर इटली उसके यहाँ पर है बूट शेप का, ये खुद यूएसए के ऊपर कनाडा है, ये आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए जब मैं ये सारे कंट्रीज के नाम बोल रहा हूँ। तो ये तो पहला चीज़ हो गया कि आप देखिए यहाँ पे ये सारे सिक्योरिटी आपको ब्रिक्स नहीं देता है। नाटो में आप देखिए इतने बिलियन एक्स्ट्रा डिफेंस स्पेंडिंग हो रही है। ब्रिक्स का जो ग्लोबल जीडीपी ब्रिक्स का है, 36% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है आपके डिफेंस स्पेंडिंग ब्रिक्स के, और पॉपुलेशन 47% ऑफ वर्ल्ड हो जाएंगे बाय 2050। तो यही चीज़ यहाँ पे ये बताया गया है, और ये काउंटर कर सकते हैं किसको, G7 को, जिनके कंट्रीज हमने अभी रिसेंटली देखे। सेकंड, वो पहला पॉइंट था। अब सेकंड देखिए, टू मेंबर ऑफ ब्रिक्स आर चाइना एंड इंडिया। ठीक है, विच टुगेदर कंटेन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। द टू कंट्रीज आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी अमंग टॉप 3 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड बाय 2030। तो ये टॉप 3 पहुंच जाएंगे दोनों बाय 2030, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इनका कंबाइंड पॉपुलेशन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्लोब्स पॉपुलेशन है। ठीक है, बोथ कंट्रीज अंडरस्टैंड दैट ग्लोबली बायलेटरल टाइज हैव सीन अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉलोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक ब्लॉक सच एज यूरोपियन यूनियन और आसियान। एज सच ब्लॉक एक्सेलरेटेड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो इन सारे से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सही हो जाता है। ठीक है, वाइल इंडिया एंड चाइना हैव बायलेटरल चैलेंजेस एट अ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक लेवल सिंस देयर स्टैंड ऑफ एट डोकलाम इन 2017, ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू कंट्रीज हैज कंटिन्यू टू ग्रो सिग्निफिकेंटली। द चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग स्किप द G20 समिट इन न्यू दिल्ली विल नॉट इम्पैक्ट दिस इकोनॉमिक कोऑपरेशन। वी शुड नेवर फॉरगेट दैट इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस ट्रम्प्स पॉलिटिक्स। तो मतलब यहाँ पे पैसा तो होना ही चाहिए, बिजनेस होना ही चाहिए, तभी पॉलिटिक्स ठीक चलेगी। यहाँ पे इनके कहने का ये मतलब है। सर्च फॉर एन अल्टरनेटिव, यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखिए क्या है। देर हैज बिन सम पोलराइजेशन बिटवीन US एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस वॉज स्पेशली बिकमिंग एविडेंट ड्यूरिंग द ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन। मैनी कंट्रीज हैव इशू विद द US स्टांस अगेंस्ट चाइना। द US सीम्स keen to impose tariffs and create other barriers to restrict China's expansion in trade and investment. China has made stride in certain area like communication infrastructure and electric mobility too, which
विच द यूएस वुड लाइक टू कंटेन, कंटेन मतलब यहाँ पे रोकना चाहेंगे उसको. दिस इज एक्सपेक्टेड टू गेट वर्स, देयरफॉर कंट्रीज वांट टू बी पार्ट ऑफ ग्रुपिंग दैट इन्वॉल्व चाइना टू, और इसीलिए यहाँ पे हमें चाइना के साथ भी होना चाहिए. इन द ब्रिक्स ग्रुपिंग चाइना इज नॉट अ डोमिनेंट प्लेयर, डेमोक्रेटिक कंट्री सच एज इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील प्रोवाइड द काउंटर वेट. ठीक है, यहाँ पे काउंटर वेट कौन कौन है, चाइना है, अरे इंडिया, चाइना नहीं है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका समझ रहे हैं कॉन्टिनेंट के सबसे नीचे में, और ब्राज़ील आप समझ रहे हैं साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री. सिमिलरली द वे रिफ्यूजीज आर बीइंग ट्रीटेड इन यूरोप डू नॉट गिव अ पॉजिटिव परस्पेक्टिव ऑफ वर्ल्ड दैट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज. कंट्री सच एज यूएस हैव फ्लोटेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, मतलब अब उसमें उसका स्टेक है तो वो अपने हिसाब से रूल्स बनाता है, कुछ गलत है भी नहीं, एंड हैव नॉट पिनलाइज फॉर द सेम. दिस मीन दैट कंट्रीज हैव टू लुक फॉर अदर अरेंजमेंट, इसीलिए हमारे लिए ब्रिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है. द सर्च फॉर एन अल्टरनेटिव सच एज नॉन अलाइंड मूवमेंट टू टैकल कोल्ड वॉर चैलेंजेस हैज गिवन होप फॉर अ न्यू ऑर्डर, दस मेनी कंट्रीज आर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप टू दिस ग्रुप. इसीलिए यहाँ पे लोग आना चाह रहे हैं क्योंकि उन लोगों को अल्टरनेशन मिल रहा है किससे, G7 से, G20 से, और आपका WTO से, यूरोपियन यूनियन से, आसियान से. तो यहाँ पे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है कि यहाँ पे जहाँ पे वेस्ट डोमिनेशन है, आप देखिए यहाँ पे तो मोस्टली वेस्ट डोमिनेशन है, तो वो हटाने के लिए हमारा ब्रिक्स इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसमें कोई एक्स्ट्रा रीजन नहीं है. सिक्स न्यू मेंबर वर इंडक्टेड इन द लास्ट मीट. एज ब्रिक्स ग्रोज देर विल बी मेनी ट्रेड बिजनेसेस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोटोकॉल क्रिएटेड, मच लाइक वॉट वी सी इन डिफरेंट फ्री ट्रेड अरेंजमेंट और इकोनॉमिक ब्लॉक्स. फोर्थ, अब देखिए यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आ रहा है, द यूएस डॉलर हैज बीन द डोमिनेंट ग्लोबल करेंसी ऑल दिस टाइम. वी हैव सीन अ डिमांड ऑफ ट्रेवलर्स चेक्स ऑफ पीपल कैरिंग ऑथराइज करेंसी दैट वॉज इक्विवेलेंट टू डॉलर बिल्स, विद डिजिटल प्लेटफॉर्म मेकिंग इन इन रोड्स इन टू मेनी कंट्रीज, डिजिटल करेंसी इज क्लियरली द फ्यूचर. बोथ इंडिया एंड चाइना हैव मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन दिस फील्ड, दे आर फार अहेड ऑफ द यूएस एंड यूरोप. बोथ इंडिया एंड चाइना आर पुशिंग फॉर मोर ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस इन देयर करेंसीज, एंड टुगेदर थ्रू ब्रिक्स दे कैन पुश देयर ओन करेंसीज एज अल्टरनेटिव करेंसी टू द डॉलर. तो यहाँ पे चाइना और इंडिया, मतलब रुपी और जो उसका युआन है, ये दोनों पुश किया जा रहा है हम दोनों कंट्रीज के तरफ से, किसको रिप्लेस करने के लिए, डॉलर को. तो यही बात हो रही है, तो ब्रिक्स हमारे लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है. चाइनाज इंटरेस्ट इन द लॉन्ग टर्म कवरेज, देयर शॉर्ट टर्म चैलेंजेस विल नॉट डिटर दिस कन्वर्जेंस. फ्रीडम फ्रॉम अ यूएस डॉलर इज अ बिग रीजन फॉर कन्वर्जेंस. ठीक है, शॉर्ट टर्म यहाँ पे रेफर किया जा रहा है, जो इंडिया के साथ उनका स्टैंड ऑफ चल रहा है, डिप्लोमेटिक टाइज खराब चल रहे हैं, ये यहाँ पे शॉर्ट टर्म बताया जा रहा है, और लॉन्ग टर्म बताया जा रहा है यूएस डॉलर को जो टोटल एलिमिनेट करना है उसके लिए. तो चाइना लॉन्ग टर्म का सोचेगा, यहाँ पे ये बोला गया. कॉन्टिनेंट ऑफ द फ्यूचर, फाइनली द कॉन्टिनेंट दैट प्रोमिसेस इकोनॉमिक ग्रोथ दिस सेंचुरी इज अफ्रीका. द वे फ्रांस हैज इंटरवीन्ड इन नाइजर फॉर द मैनर इन विच माइग्रेंट्स हैव बीन ट्रीटेड इन यूरोप प्रोवाइड अफ्रीकन्स विथ अ नेगेटिव इमेज अबाउट यूरोप. वहाँ पे यूरोप के लिए अफ्रीका में नेगेटिव इमेज है. द फैक्ट इज दैट वाइल यूरोप टॉक्स अबाउट कनेक्टिविटी ए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पर है. आप देखिए जैसे अगर यूरो यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप है, तो यहाँ पे आपका मोरक्को है, मोरक्को के ऊपर यहाँ पे जो बीच है ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी है, और यहाँ पे आपका एटलांटिक ओशन है. क्रॉसिंग स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉसिंग इज स्टिल नॉट अ प्लेस, पार्टली ड्यू टू जियो पॉलिटिक्स एंड पार्टली ड्यू टू अदर कंसर्न्स. वीजा रिस्ट्रिक्शन हैव पुश्ड अफ्रीकन्स टू ट्रेवल टू चाइना एंड सी इट्स डेवलपमेंट मोर क्लोजली देन यूरोप और यूएस. तो यहाँ पे ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन है, तो लोग वहाँ से चाइना जा रहे हैं, जो वहाँ से वो कंपेयर देख सकते हैं, वो भले यूरोप को और यूएस को नहीं देख रहे, पर वो चाइना को देख रहे हैं कि कितना वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है. दिस मेक्स देम बिलीव इन चाइनाज पोटेंशियल, तो उनको लग रहा है चाइना अच्छा है. अफ्रीकन कंट्रीज कंटिन्यू टू टॉक अबाउट द फ्रीडम, द नीड इन चूजिंग पार्टनर फॉर इन्वेस्टमेंट और ट्रेड.
इंडिया प्रपोज्ड फुल मेंबरशिप ऑफ द अफ्रीकन यूनियन इन G20 समिट इन न्यू दिल्ली। इट इज ट्राइंग टू पुश इट्स ओन रीच विद इन अफ्रीका। ब्रिक्स विल अगेन बी आउट ऑफ द न्यूज अंटिल द नेक्स्ट समिट। हाउएवर ईच समिट जनरेट सम स्पार्क्स दैट प्रोवाइड्स द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर डिफरेंट नेटवर्क ऑफ पीपल फॉर द फ्यूचर। अभी इतना इसका रिलेवेंस भले नहीं है, पर आप देखिए फ्यूचर में इसका रिलेवेंस बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे यही बात हो रही है, दिस इज़ अ ग्रुप फॉर अ लॉन्ग रन। यहाँ पे लॉन्ग रन की बात हो रही है। आफ्टर ऑल वे बैक इन 2003 इवन गोल्डमैन सैक्स सॉ द पोटेंशियल ऑफ द ग्रुपिंग एंड द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स बाय स्टेटिंग दैट इफ थिंग्स गो राइट इन लेस देन 40 ईयर्स ब्रिक्स इकोनॉमीज टुगेदर कुड बी लार्जर देन G6 इन US डॉलर टर्म्स। तो उस समय गोल्डमैन सैक्स ने बोल दिया था 40 साल में ये G6 से जो US डॉलर के टर्म्स में ब्रिक्स मेंबर काफ़ी बड़े हो सकते हैं अगर चीज़ें सही जाए। तो अब देखते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। सबसे पहले हमारे लिए आप देखिए ब्रिक्स इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब हमें देखना है ब्रिक्स में आप देखिए ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो इसके 5 मेंबर्स हो गए। अभी जो 6 ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं, ये हमें बिल्कुल कंट्री के लोकेशन के साथ याद होना चाहिए। अब आप देखिए एक तो ये हो गया, और ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए कि ब्रिक्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी ये सब नहीं देता है जैसे नाटो देता है, ठीक है। यूरोपियन अलाइज है वो हमारे में अभी ऐसा कुछ है नहीं। आप देखिए हमारा डिफेंस स्पेंडिंग क्या है, 36% ऑफ ग्लोबल GDP, ये ब्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके पॉपुलेशन 40% ऑफ वर्ल्ड हो जाएंगे, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे ब्रिक्स कुड पोज अ सीरियस चैलेंज। सीरियस चैलेंज किसको देगा, G7 को। तो आप देखिए यहाँ पे G7 हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। G7 में ये सारे कंट्रीज दिए गए, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, UK, US, ठीक है, जर्मनी। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है, 2 मेंबर ऑफ ब्रिक्स दैट इज इंडिया एंड चाइना, तो इनका पॉपुलेशन 1/3 है, ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वहाँ पे आपका इकोनॉमिक ब्लॉक जैसे हम वहाँ पे कम रहते हैं, यूरोपियन यूनियन, आसियान, ये सारे ब्लॉक में आप देखिए इन्वेस्टमेंट ट्रेड एक्सेलरेट कर रहा है, तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ पे हम ग्रो करें, इसलिए ब्रिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पर इंडिया जापान का जो अरे इंडिया चाइना का जो डिप्लोमेटिक इशू चल रहा है आप देखिए, वो फिर भी यहाँ पे हमारे लिए एक बन जाता है, ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म बन जाता है कि हम वहाँ पे कॉपरेटिव देखिए। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है अल्टरनेटिव खोज रहे, ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड चाइना सेकेंड। अब यहाँ पे आप देखिए ये थर्ड हो जा रहा है, क्या है थर्ड, चलिए देखते हैं। यहाँ पे US और अदर पार्ट्स की तरह जैसे वो चाइना के अगेंस्ट है USA, ये डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से पता चल गया था, वैसे ही वो किसी के भी अगेंस्ट जा सकता है USA, क्योंकि USA कुछ भी कोई कुछ भी बोले एक सेल्फिश, ठीक है, ये एक सेल्फिश कंट्री है। तो इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम आपस में थोड़ा यहाँ पे कंबाइन करें। और यहाँ पे आप देखिए किसको यहाँ पे टक्कर दे रहे हैं हम लोग, ब्रिक्स चाइना इज यहाँ पे डोमिनेंट प्लेयर नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो प्लेयर है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका। अब आप देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, नॉन अलाइन ग्रुप की तरह जब कोल्ड वॉर में हमारे पास नया ग्लोबल ऑर्डर बनाने के लिए नॉन अलाइन मूवमेंट था, वैसे ही अभी हमारे पास एक इकोनॉमिक ब्लॉक ये सब बनाने के लिए ब्रिक्स है, G20, G7 आप देखिए, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, नाटो, ठीक है, ये आसियान, ये सब सबके कंट्रीज तो पता होनी चाहिए। अब आप देखिए फोर्थ, यहाँ पे ग्लोबल करेंसी जो है, आप देखिए रशिया यूक्रेन में वॉर हो गया तो ग्लोबल करेंसी फट से रशिया के ऊपर डॉलर ने सैंक्शंस लगा दिए, पर क्या ये चीज़ सही है, मैं बोल सकता हूँ सही भी है गलत भी है। सही इसलिए है कि भाई हमारे पास कोई टूल तो है जिससे हम किसी को रोक सकें, ठीक है, कोई गलत कर रहा है, पर गलत तो यह है कि भाई वो तो उनका पैसा है ना, हम वो क्यों रोके, वो किसी गलत उनको किसी और तरीके से हम रोक सकते हैं, पर वो जो पैसा उन्होंने कमाया है वो तो उनको मिलना ही चाहिए, वो उसके ऊपर हम सैंक्शन क्यों लगाए। तो वो मुझको थोड़ा सा यहाँ पे लगा कि भाई हम कल को मानो आज चलो USA का स्टैंड सही था तो USA ने किया, कल को आप मेरे को बताओ हो सकता है USA अपने
पर्सनल यूज के वजह से भी, पर्सनल किसी पर्पस के वजह से भी किसी के ऊपर बैन लगा, तो यहाँ पे ऐसे जो होता है ना, ये इसको बोला जाता है टेरर इफेक्ट कर रहा है डॉलर का यूएसए, कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे हम सैंक्शन लगाएंगे। तो ये चीज़ मेरे को सही नहीं लगा। तो यहाँ पे रुपीस, आप देखिए रुपीस और युआन दोनों चाइना और इंडिया प्रमोट कर रहे हैं अपना, इसीलिए हमारे लिए ब्रिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप देखिए इसका फ्यूचर क्या है। गोल्डमैन सैक्स ने बहुत पहले ही बोल दिया था 40 साल में ये G6 से बड़े हो जाएंगे, ठीक है, और यही हमारा फ्यूचर है अगर सब कुछ सही गया तो। थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।